सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई महत्वपूर्ण अपडेट में। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप में एक नया महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। ये जो अपडेट है वो 20.6 का एकदम लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि आपको 6 महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको बता दूं कि इस अपडेट में आप लोगों के लिए जो मस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है आपका भंडार पंजी। जी हाँ, भंडार पंजी को पोषण ट्रैकर ऐप में अपडेट किया गया है। इसमें आप लोगों को किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें डालनी है और साथ में जो अपडेट आए हैं उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए और आप लोग आसानी से पोषण ट्रैकर ऐप पर काम कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको पोषण ट्रैकर लिख के सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जो अपडेट का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे और इसमें क्या क्या अपडेट आई हुई है इसके बारे में समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में कुल 6 अपडेट आए हैं। 6 अपडेट में से आपके लिए ये 5 जो महत्वपूर्ण अपडेट है, इन सभी के बारे में आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट अपडेट बता रहा है, AWW विल बी एबल टू प्लान देयर स्टॉक रिक्वायरमेंट थ्रू स्टॉक रजिस्टर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक रजिस्टर जो है वो भंडार पंजी जिसको बोलते हैं, उसका डिटेल्स अब आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में भरने की सुविधा दी गई है। इसमें किस प्रकार से क्या चीज़ें भरनी है वो आपको आगे के वीडियो में हम समझाएंगे, ठीक है। दूसरा जो अपडेट है वो रीवैम्प AWC माइग्रेशन, AWC माइग्रेशन का जो ऑप्शन है उसमें कुछ सुधार किया गया है, ठीक है। तीसरा जो अपडेट है वो रीवैम्प द फ्यूचर टू माइग्रेट फ्रॉम PW2LM, यानी कि जो फ्यूचर में जो माइग्रेट करेंगे आप प्रेग्नेंट वुमेन से लैक्टेटिंग मदर में, तो उसमें भी कुछ नई चीज़ों को ऐड किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो चौथा अपडेट है वो न्यू स्क्रीन टू कैप्चर एडिशनल डिटेल्स ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करना होता है, उसके लिए कुछ नई सुविधा उसमें दी गई है, तो उसके बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। पांचवा जो अपडेट है वो आधार नंबर इज मास्ट ऑन वेरीफाई आधार लिस्ट, यानी कि जो आप लोगों ने लाभार्थियों का आधार वेरीफाई कर लिया है उस लिस्ट में अब जो आधार आप लोगों को देखने को मिल रहा था उस आधार को अब छिपा दिया जाएगा। सिर्फ 2-4 अंक ही आप लोगों को जो लास्ट का डिजिट है वो देखने को मिलेगा। और छठा अपडेट यहाँ पे माइनर बग फिक्सेस, यानी कि इसके बारे में आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, हर अपडेट के साथ ये अपडेट आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए अब इन 5 अपडेट के बारे में हम पूरी डिटेल से आगे इस वीडियो में समझते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लेना है। वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आती है तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को और भी आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमारा पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट हो चुका है, हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करके आप लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए आया हुआ है वो भंडार पंजी का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भंडार पंजी ऑफलाइन हम लोग भरते थे, तो अब धीरे धीरे पोषण ट्रैकर ऐप में भी वो ऑप्शन आने लगा है, जिससे कि अब आप लोग यहाँ पर स्टॉक रजिस्टर को मेनटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, स्टॉक रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टॉक रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर लिख के आ जाएगा और यहाँ पे आपको मंथ और ईयर देखने को मिल जाएगा, यानी इसी मंथ का ये स्टॉक रजिस्टर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला है THR और दूसरा है HCM, यानी कि THR में कितने लाभार्थियों को हमें क्या देना है, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है और कितना पैकेट हमें रिसीव हुआ है, वो सारी डिटेल्स हम लोगों को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले THR के बारे में समझते हैं। THR ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बेनिफिशियरी टाइप खुल के आ जाएगा कि THR हम किन किन लाभार्थियों को देते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, 0 से 3 वर्ष के बच्चे और यहाँ पे देख सकते हैं 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनमें यहाँ पर ऑप्शन ना का दिया गया है, यानी इनको हम लोग THR नहीं देते हैं। उसके बाद सेम चिल्ड्रेन, अंडरवेट चिल्ड्रेन, एडोलसेंट गर्ल्स, इन सभी लाभार्थियों को हम लोग THR देते हैं। तो उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर भरनी होगी, ठीक है। यहाँ पे समझिए क्या लिखा गया है, स्टॉक रिक्वायर्ड्स पैकेट्स, यानी कि आपको कितने पैकेट्स की रिक्वायरमेंट्स है वो आप लोग लिस्ट यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। यानी कितने लाभार्थियों को हमें जो स्टॉक वितरण करना है वो हमें यहाँ पे जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक रिसीव्ड पैकेट्स, यानी कि हमें कितने लोगों के लिए यहाँ पे जो स्टॉक मिला है वो हमें रिसीव हुआ है, उसका डिटेल्स अभी यहाँ पे भरेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट पैकेट्स, यानी कि हमने कितने लाभार्थियों को जो हमें
पैकेट से रिसीव हुआ है उसको हमने वितरण किया है, वो डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में आपको अदर एक नई वीडियो में हम आपको समझाएंगे किस प्रकार से भरना है। ठीक है, फिलहाल इस ऑप्शन को समझ लीजिए, ये इस प्रकार से भंडार पंजी का ऑप्शन आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में दिया गया है। उसके नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक प्लस का आइकन दिया गया है, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड THR स्टॉक रिसीव का जो ऑप्शन है वो खुल के आ जाएगा। बेनिफिशियरी टाइप आपको देखने को मिल जाएगा, स्टॉक रिसीव पैकेट्स यानी कितने लाभार्थियों के लिए हमें पैकेट्स रिसीव हुआ है। जैसे कि आपके पोषण ट्रैकर ऐप में 5 जो प्रेगनेंट वुमेंट है तो यहाँ पे 5 की संख्या दर्ज करनी है। लैक्टेटिंग मदर की संख्या कितनी है तो अभी हमने आपको दिखाया है यहाँ पे 5, 12 और यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है पोषण ट्रैकर ऐप में वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे डालनी होगी। जैसे कि यहाँ पे हम बैक करते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखा हुआ है कि कितने लोगों के लिए पैकेज रिसीव हुआ है। तो पोषण ट्रैकर ऐप में जितने भी बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड रहेंगे उनका डिटेल्स वहाँ पर भरना होगा। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 5 प्रेगनेंट वुमेन है, 12 लैक्टेटिंग मदर है और 50 जो बच्चे हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे भरा हुआ है, 3 जो सैम चिल्ड्रन है, 33 अंडरवेट चिल्ड्रन है, टोटल मिला के 103 लाभार्थी हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड हैं। तो वही डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 5 प्रेग्नेंट वुमेन है, 12 जो लैक्टेटिंग मदर है उसकी डिटेल्स यहाँ भरनी है, 50 बच्चे हैं तो इनके लिए हमें जो स्टॉक यहाँ पे बनानी है इस प्रकार से बनानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल संख्या आप लोगों को देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे डेट आपको देखने को मिल जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आप एड स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो ये जो भंडार पंजी है वो आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो दूसरा कैटेगरी है जैसे कि SCM वाला, इस पर क्लिक करेंगे। SCM में आप लोग देख पाएंगे कि जो बच्चों को हम लोग SCM देते हैं वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए हम SCM देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 प्रकार के जो कैटेगरी है वो देखने को मिलेगा, एड SCM स्टॉक रिसीव इन पैकेट्स यानी कितने बच्चों के लिए हमें जो पैकेट्स है वो रिसीव हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो संख्या दर्ज करेंगे और एड स्टॉक पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एड SCM स्टॉक रिसीव एज राशन, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो संख्या दर्ज करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पोषण ट्रैकर ऐप में भंडार पंजी का डिटेल्स भरने का जो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका पहला अपडेट हो गया। चूँकि आप लोगों को इसके रिकॉर्डिंग हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जो जिसमें कि हम आपको समझा पाएँ क्लियरली तरीके से कि किस प्रकार से आपको स्टॉक पंजी बनाना है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की ओर। जो दूसरा अपडेट है वो आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिशियरी वाली कैटेगरी में देखने को मिलेगा। तो बेनिफिशियरी वाली कैटेगरी को ओपन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रेगनेंट वुमेन की कैटेगरी को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो लाभार्थी को हम लोग प्रेग्नेंट से लैक्टेटिंग मदर में माइग्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में इस अपडेट के आने के बाद एक नया जो स्क्रीन है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जैसे कि पहले आप लोग जो देख रहे थे जो प्रेग्नेंट वुमेन से लैक्टेटिंग मदर में भेजने के जो ऑप्शन था उसमें यहाँ पे जो स्टिल बर्थ या अबॉर्शन का जो ऑप्शन था वहाँ पे दिखाया जा रहा था, जैसे कि मिसकैरेज हो गया, गर्भपात हो गया, उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ रहा था। उस ऑप्शन को भरने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि किसी कारण किसी गर्भवती महिला का मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है या स्टिल बर्थ होता है जैसे कि मृत बच्चा पैदा होता है, ये डिटेल्स भरने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका अगर कोई बच्चा यहाँ पे मिसकैरेज हो जाता है तो आप लोग यहाँ पे इसको ऑन करके यहाँ से उसको हटा सकते हैं पोषण ट्रैकर ऐप से, जो ऑप्शन पहले दिया गया था। ठीक है, तो उस ऑप्शन को इस प्रकार से दिखाया जा रहा है, यहाँ पे अबॉर्शन दिया गया है, स्टिल बर्थ दिया गया है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में नई तरीके से दिखाई जा रही है। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा अपडेट आप लोगों को बता रहे थे कि जैसे कि बच्चे का डिलीवरी होता है तो उसके लिए कुछ ऑप्शन को ऐड किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कांति देवी है, इस प्रकार से जो प्रेग्नेंट वुमेन है इसको यहाँ से लैक्टेटिंग मदर में हमें भेजना है तो इस प्रकार से ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई जा रही है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डेट ऑफ डिलीवरी, जैसे कि मान लीजिए किसी गर्भवती महिला का डिलीवरी हो जाता है तो यहाँ पे डिलीवरी का डेट डालेंगे और बच्चा कहाँ पैदा हुआ है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है। 2 ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पर, होम और इंस्टीट्यूशन, यानी कि घर पे हुआ है या कहीं अदर जगह पे हुआ है तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और बच्चा का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो बच्चे का हाइट वेट है वो आप लोगों को यहाँ पे दर्ज करनी है, चाइल्ड बर्थ वेट आप लोग यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद चाइल्ड बर्थ हाइट यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे तो प्रोसीड का एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा तो यहाँ से आप
प्रेग्नेंट वुमेन को लैक्टेटिंग मदर वाली कैटेगरी में आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा और तीसरा अपडेट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गया है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। तो चौथा अपडेट भी आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेगा। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर वाले पे क्लिक करेंगे तो जो स्क्रीन आप लोगों को यहाँ पे न्यू स्क्रीन दिखाया जा रहा है वही चौथा अपडेट है। जैसे कि डिलीवरी के टाइम जो बच्चे का अदर डिटेल्स है वो आप लोग यहाँ पे भर सकते हैं। पाँचवा जो अपडेट है, जैसे कि आप लोग किसी लाभार्थी का जो आधार है उसको यहाँ पे जो है कि छिपा दिया जा रहा है, देख सकते हैं इस प्रकार से। ये पहले भी ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो हालांकि इस अपडेट में आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो लाभार्थी का आधार है उसको हाइड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पांच अपडेट थे। और छठा अपडेट आप लोगों को माइनर बग फिक्स होता है, जैसे कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक किया जाता है। तो इस प्रकार से थी आज की ये छः महत्वपूर्ण अपडेट। आई होप आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ये छः महत्वपूर्ण पोषण ट्रैकर ऐप में आए हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अदर आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।